करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। रात के 12:30 बज रहे थे। कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पीयून पांडु मामा बैठे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आया। विजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी। पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला। ना किसी से बनती थी ना ही उसका कोई दोस्त था। वह दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा। वे बोले और फिर आंखें बंद कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ वरना बस सीधे धराशिव जाकर ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गए। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? पियून ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आ पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है, पियून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है, विकास सर बोले। ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। सर इस का कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें।
और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, शाम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी, वह मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे, बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में, रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है, वह जंगल तो कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहां से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान वीरान जगह पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछले सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई। वह सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में ले आता है। सर अभी इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाए, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे, फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ? आ गया क्या मेरा बोरगांव? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। यह सुनकर सुशील सर के तो मानो होश ही उड़ गए। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आया है। यह सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। यह देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर है।